हेलो एवरीवन, माय नेम इज धीरेन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन कि जो गिटार है उसको ऑफलाइन परचेज करना चाहिए या फिर ऑनलाइन। तो मैं अपना पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करूंगा कि अगर मुझे गिटार खरीदना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो मैं क्या चूज करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ऑफलाइन जाऊंगा। उसके कुछ रीज़न है। क्या है कि सबसे प्राइम रीज़न है कि आपके पास पैसे हैं, आपको तुरंत गिटार चाहिए, आप जाते हैं शॉप पे, पैसे देते हैं और चीज़ पसंद आती है आप ले लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये रीज़न तो नहीं होगा, ठीक है। आजकल ऑनलाइन डिलीवरी भी या एक या दो दिन में हो जाती है, ठीक है, अगर आपने प्राइम मेंबरशिप ले रखी है। तो इसका जो मेन रीज़न ये है कि हम वहाँ शॉप में जाके गिटार को प्रॉपर चेक कर सकते हैं खरीदने से पहले। ये ऑनलाइन में आपको सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी कि आप चीज़ को देख, आप उसमें फ़ोटोज़ में देख लेंगे, फ़ोटोज़ में तो ऑब्वियसली बात है वो परफेक्ट दिखाई देगा आपको। तो ये आपको ऑफलाइन में आपको सुविधा मिलती है कि आप उस चीज़ को प्रॉपर इंस्पेक्ट कर लेते हैं खरीदने से पहले, और आपको देखनी क्या क्या चीज़ें हैं गिटार में खरीदने से पहले, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। गिटार ले लेता हूँ साथ में आपका। तो सबसे पहले तो आपको गिटार में जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, आपको चेक करनी है, वो है क्रैक। वो कहीं भी, पूरे गिटार में ही हो सकता है कहीं भी, लेकिन आपको सबसे पहले कहाँ चेक करना है, इस नेक के पास, ठीक है। देखिए जी, नेक के पास आपको चेक करना है कि यहाँ पे कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब नेक के पास क्रैक होता है तो फ्रेटबोर्ड ना वो बेंड हो जाता है या फिर वो ऊपर उठ जाता है, कुछ भी बोल लीजिए आप, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो स्ट्रिंग्स हैं और जो फ्रेटबोर्ड है उसके बीच का गैप बढ़ जाता है, जिसको एक्शन बोलते हैं आप सीधी सी भाषा में, तो वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको प्ले करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्ट्रिंग्स ऊपर उठ चुकी हैं तो आप कॉर्ड या फिर कुछ भी रीडिंग या फिर कुछ भी प्ले कर रहे हैं आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी है, आपको चेक करनी है स्ट्रिंग्स और जो फ्रेटबोर्ड है उसके बीच का गैप, जिसको एक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक्शन उसी को बोलते हैं जो स्ट्रिंग्स हैं और जो फ्रेटबोर्ड है उसके बीच का गैप है। तो अगर ये बड़ा हुआ है इन दोनों के बीच का गैप, तो या तो ये जो फ्रेटबोर्ड है वो स्ट्रेट नहीं है या फिर ये बेंड है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर चेक करना है, ये हुई आपकी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपको चेक करनी है ये कीज़, ठीक है। आपको घुमा घुमा के सारी कीज़ चेक करनी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो प्रॉपर रोटेट नहीं हो रही होती हैं, ये जाम हो जाती हैं, कुछ भी होता है। तो आप सारी कीज़ को घुमा के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका तीसरा रीज़न या फिर तीसरी चीज़ जो आप गिटार में चेक करेंगे खरीदने से पहले। जो उसके बाद जो चीज़ आपको देखनी है वो है ये ब्रिज, ठीक है। ब्रिज कभी कभी साउंड बॉक्स में सही से अटैच नहीं होता है, कभी कभी वो खिसक रहा होता है, चिपका नहीं होता सही से, तो इसको भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट कि आपको गिटार में क्या देखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो हम ऑनलाइन भी परचेस करके घर पे जब गिटार आएगा तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी डैमेज होता है, जो विजिबल डैमेज आपको दिख रहा है, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, और आराम से वो एक्सचेंज भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, और ये सही बात भी है। लेकिन जो सबसे आखिरी रीज़न और प्राइम रीज़न है जो आपको चेक करना है, वहाँ पे शॉप पे जाके, वो होता है ये जो आपको ट्रस रॉड दिख रही है यहाँ पे, ये ट्रस रॉड है, ठीक है। ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, पूरे गिटार में बहुत ज़्यादा डेलिकेट चीज़ है। तो अब इसमें आपको क्या चेक करना है, जब आपको आप कभी कभी ऑनलाइन गिटार खरीदते हैं तो आपको ये नहीं पता रहता कि उसने जो सेलर है उसने इस ट्रस रॉड को एडजस्ट करके भेजा है या फिर इसको रिपेयर किया है या फिर एडजस्ट किया है, ये आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसने आपके सामने तो किया नहीं है, आपको भेजने से पहले उसने करके देख लिया। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक्शन, जो आपका गिटार का एक्शन, जो स्ट्रिंग्स और फ्रेट के बीच का जो स्पेस होता है वो बड़ा हुआ होता है, तो जो सेलर होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो इसको एक टूल होता है एल शेप में, इसमें डाल के उसको टाइट या लूज करते हैं, ठीक है। तो उससे आपका एक्शन ठीक हो जाएगा। कभी कभी होता है कि कोई नोट सही से आवाज़ नहीं आ रही होती है, तो भी इसमें वो टूल डाल के उसको एडजस्ट करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो अब ऑनलाइन परचेज करेंगे आप तो ये चीज़ तो आप देख नहीं सकते हैं कि आपको उसने कौन सा पीस उठा के दे दिया है जो डिफेक्टिव है, उसको एडजस्ट किया और आपने घर पे आया, आपने उसको देखा और बजाया, आपको सही लगा, ठीक है। लेकिन जब कभी कभी ये होता है कि उसको एडजस्ट करते हुए, वो बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, बहुत ही पतली सी रॉड होती है सिर्फ, तो कभी कभी उसमें क्रैक आ जाता है, ठीक है। तो क्रैक तो, क्योंकि वो इसके अंदर है तो क्रैक तो आपको दिखेगा नहीं,
तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है फ्यूचर में, 1-2 साल जब भी होगा तो आपको, और उस चीज को कोई सही भी नहीं कर सकता है। बेसिक बात ये है कि उस चीज को आप रिपेयर भी नहीं करवा सकते हैं, तो आपका पैसा और गिटार दोनों बर्बाद जाएंगे। तो ये चीज जरूरी है कि अगर ऑफलाइन भी आप जाते हैं तो पहली चीज इसको चेक करें, और उससे हमेशा गिटार को अपने सामने बॉक्स से ओपन करवाएं, नया पीस, ठीक है, ताकि उसमें उन्होंने कोई भी रिपेयर वर्क ना किया हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि वो ऊपर से या कहीं से भी लाके गिटार आपको दे रहा, आप अपने सामने खुलवाएं नया पीस, ठीक है। तो इसलिए मैं ये, यही प्राइम रीजन है जो मैं ऑफलाइन सजेस्ट भी करता हूँ, और खुद भी ये जो गिटार है मैंने भी ऑफलाइन खरीदा था, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था शॉप पे जाके, और मैंने उससे नया पीस खुलवाया था और वहीं पे टेस्ट भी किया था, ठीक है। तो ये सबसे प्राइम रीजन ये आपको जरूर देखना है, और अपने सामने ही उस गिटार को खुलवाना है बॉक्स से, बैक से, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज थी ये, आपको नेक जरूर चेक करनी है, क्रैक नहीं होना चाहिए, और कभी कभी यहाँ पे वो स्टिकर लगा देते हैं ओके टेस्टेड का, ठीक है। तो आप उस शॉपकीपर से भी बोलिए कि इस स्टिकर को उखाड़ दो ताकि हम क्लियरली देख पाए यहाँ पे कोई क्रैक है या नहीं है। और दूसरी चीज है कि आपको ये ट्रेस रॉड जरूर चेक करनी है, ठीक है, कि ये डैमेज है कि नहीं है। तो बस इतनी सी बात आपसे शेयर करनी थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको ऑनलाइन गिटार लेना है या फिर ऑफलाइन। अगर आपके पास सुविधा है, आपके जिस सिटी में रहते हैं आपके घर के पास शॉप है, तो प्लीज आप शॉप विजिट करके आप गिटार परचेज कर लीजिए, सबसे बेहतर डील होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, आप सर्च बॉक्स में लिखिएगा बैंकक्रप्ट गिटारिस्ट, मैं आपको मिल जाऊंगा, आप मुझे उधर बात भी कर सकते हैं। बाय बाय।